पहले जब ये गाना शुरू हुआ तो मुझे पता नहीं था कि मोती इस गाने में कैसे फिट आएगा, बट आप इतने अच्छे से फिट आ गए, आउटस्टैंडिंग। और वैष्णव आज क्या मतलब हाई नोट्स पे जा रहे थे आप, मतलब स्टूडियो के रूफ छत को पार कर गए आप। अमेजिंग परफॉर्मेंस यू गाइस, इतना अच्छा लगता है जब आप लोग साथ में गाते हो। पहली बात तो आपकी जो स्पिरिट है कि यू नो ये कॉम्पिटिशन है ही नहीं, ये म्यूजिक का एक फेस्टिवल है ऐसा लगता है। और मोती आप तो एकदम खुल गए हो, जब आए थे तब एक ही जगह पे खड़े रहके गाते थे, अभी तो आप भी थोड़े से झूम रहे हो, फुल धमाल कर रहे हो। इट्स सो नाइस टू सी यू सर, दोस्तों के साथ रहकर सीख गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये गाना जो है ओफो, ये शंकर एहसान लोय का गाना है और ये एक पॉप सॉन्ग है। हमारे जो दो महारथी स्टेज पे खड़े हैं अदिति के साथ में, वो एक क्लासिकल सिंगर है, एक फोक सिंगर है, दोनों ने मतलब एक पूरे नए जॉनर में इतने अच्छे से अपने आप को ढाल दिया कि एक मंझा हुआ कलाकार ही कर सकता है ये। यू गाइज आर ट्रूली अमेजिंग, अमेजिंग। जब मैं रिहर्सल के लिए आई थी, मैं इनको लिटरली ऐसे कर रही थी कि हाफ नोट नीचे कर दे, नहीं नहीं मैं गाऊंगा ना गाऊंगा, तो उन्होंने ऊपर फुल गाया और बिल्कुल की नीचे नहीं करने दिया। इट्स लाइक थ्री डिफरेंट जॉनर्स पुट इनटू वन सॉन्ग, आई थिंक इट्स फैबुलस। जब आप गा रही थी तब आपकी लाइनें भी मोती गा रहा था जी, उनको सब पूरा गाना आता है तो ये बहुत अच्छी बात। एक तो मोती फिल्मी गाने गाता नहीं था,
लेकिन अभी हर हफ्ते कुछ नया नया गाना प्रिपेयर कर रहा है और ना केवल उसकी लिरिक्स बट दूसरों के लिरिक्स भी उसको याद रह जाते, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और वैष्णव, वैष्णव तो मतलब आपको तो ऑडिशन याद होगा, लिरिक्स कैसे भूले थे? और मतलब आजकल क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड गानों के लिरिक्स याद हो जाते हैं और कोई एफर्ट ही नहीं है जब आप गा रहे हो। अमेजिंग, वेल डन। अभी वैष्णव की इतनी बात हुई है तो मैं आपको उनके बारे में और कुछ बताना चाहूंगा। अदिति, जैसा कि आप देख ही सकती है, हमारे वैष्णव जो है फिटनेस फ्रीक है। हमने ये भी सुना है कि आप जुम्बा सीख रही हैं जी। और जुम्बा से काफी वजन भी घटता है, तो वैष्णव आपसे कोई